हिमाचल प्रदेश के लोग अब घर बैठकर ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। इसके अलावा वाहनों की पासिंग और परमिट के लिए भी लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं रहेगी। लोगों को सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करेगा। इसके लिए शुरुआती दौर में करीब 15 दिन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला कांगड़ा और शिमला में कार्य किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। ये बात परिवहन निगम हिमाचल प्रदेश के निदेशक जीएम पठानी ने धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करवाने वाला देश भर में पहला राज्य बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोग अब ई परिवहन सेवा के माध्यम से घर बैठकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कार्यों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग के कार्यालय में आने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें मात्र ड्राइविंग लाइसेंस की ट्राई के दौरान और वाहन पासिंग के दौरान ही परिवहन विभाग के कार्यालय में आने की जरूरत होगी, जबकि अन्य सभी सेवाएं भी घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश के वाहन ऑपरेटरों को होगा, क्योंकि इससे जहां उनके समय की बचत होगी वहीं उन्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो है इसका नाम है ई परिवहन व्यवस्था, और ये एक पूरे हिंदुस्तान में एक मेरे ख्याल पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100% सर्विसेज को हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और इसमें परिवहन विभाग की जो टीम है, जिसमें हमारा जो नेतृत्व उसमें मिला है गोविंद सिंह ठाकुर जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उसके साथ हमारा जितने आरटीओस हैं या हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सारे, इन्होंने काफ़ी पिछले 7-8 महीने से इसको काम करके एक एक सर्विस को चुना और एक एक सर्विस को सिलेक्ट किया कि हम उसमें क्या प्रोसेस रहेगी और उसको हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा जो 100% सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन लोगों को मिले, किसी भी आदमी को हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े। और उसका कारण ये है कि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो कोई भी आदमी अगर हमारे सरकारी ऑफिस में आता है तो वो सबसे पहले तो अपना टाइम वेस्ट करेगा वहाँ पे आने के। दूसरा, हमारा सिस्टम जो है कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि आपको आप ऑफिस में गए तो आपको सर्विस एकदम से मिल गई। तीसरा उसमें है कि अगर हमारा अगर आदमी दूर से आ रहा है तो उसकी पैसा भी खर्च हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं और या जो भी हमारा अपना दिहाड़ी वेस्ट करेगा तो उसका पैसा भी वेस्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों को निजात पाने के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम सारी की सारी सर्विसेज हम ऑनलाइन कर दें, ताकि किसी भी आदमी को हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े। मोटिवेशन हमारे पास था, जो एक बैंकिंग सिस्टम, अब आप देखें कि पिछले 10-15 सालों के अंदर अंदर बैंकिंग सिस्टम में इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के साथ कोई भी आदमी बैंक में नहीं जाता है, हर सर्विस को अपने घर में बैठ के अवेल करता है। तो ये हमारा जो तकरीबन 7-8 महीने की मेहनत है सभी की,